लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरी तरह से भागीदार बने, हिस्सा लें, अपने वोट का जो है इस्तेमाल करें, आप जिसे बेहतर समझें लेकिन वोट जरूर दें। भैया आओ, दीदी आओ, चाचा आओ, चाची आओ, भैया आओ, दीदी आओ, चाचा आओ, चाची आओ। पहले मतदान और फिर जलपान करें, क्योंकि आपका एक मत से देश की दशा और दिशा निर्धारित होगी। जो आप वोट देंगे या जो महल में रहने वाला वोट है वो भी संसद में जा सकता है, वो भी विधान परिषद में जा सकता है, या कोई जूता सीने वाला व्यक्ति है वो भी संसद में जा सकता है, वो भी विधानसभा में जा सकता है और गया है। लोकतंत्र के महापर्व को अरे मिलकर हमें मनाना है। और क्या कहना है? क्या कहना है? कि वोट डालने जाना है। इन दिनों बिहार व पूरे भारतवर्ष में चुनाव का माहौल चल रहा है। अभी तक जहां जहां वोटिंग हुई है वहां की बहुत ही कम जनता अपने मतदान का इस्तेमाल करने पहुंचे। मतदान का प्रतिशत कम होने के कारण चुनाव आयोग ने जनता को जागरूक कर हर कीमत पर अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए अपील की है। आयोग का मानना है कि एक वोट से आप एक अच्छे उम्मीदवार की चयन कर सकते हैं, इसलिए अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। इसको लेकर बिहार कला पुरस्कृत से सम्मानित वरिष्ठ रंग निर्देशक नवाब आलम अधिवक्ता के नेतृत्व में खौल के सूत्रधार संस्था द्वारा भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है और नाटक के द्वारा समझाया जा रहा है कि आपकी एक वोट कितनी कीमती है। आपका एक वोट द्वारा ही आप पूरे 5 साल तक देश में अच्छे सरकार की चयन कर सकते हैं। सूत्रधार ने मंगलवार को खौल के मोती चौक व दानापुर रेलवे स्टेशन टिकट घर के दक्षिण छोर पर नुक्कड़ नाटक से वोटर के बीच में जागरूकता अभियान चलाया। सूत्रधार के महासचिव नवाब आलम ने आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि वोट बहुमूल्य है और सब काम छोड़कर पहले मतदान करें। खौल नगर परिषद के अध्यक्ष सुजीत कुमार ने लोगों से आवश्यक रूप से मतदान करने की सलाह दी। आज ये हमारा अभियान, इस अभियान को सरकार ने भी चला रखा है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, नगर परिषद हो, अनुमंडल प्रशासन हो। कोशिश यही है कि हम लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरी तरह से भागीदार बने, हिस्सा लें, अपने वोट का जो है इस्तेमाल करें, आप जिसे बेहतर समझें लेकिन वोट जरूर दें। इसी बात को बताने के लिए हमारे सुधार की टीम यहाँ मौजूद है और आपने देखा होगा कि अभी दुष्यंत कुमार जी जो बहुत बड़े लोक गायक हैं, बहुत ही चर्चित हैं, बिहार के बहुत चर्चित लोक गायक हैं, राजेश जी हैं, तमाम उनकी पूरी टीम हमारे साथ है, सुधार की टीम। तो हम आपके सामने गीत और संगीत के साथ साथ आपको एक बात बताने भी आए हैं कि आप नाटक देखें तो उसका इस्तेमाल भी करें, वोट के महत्व को समझें। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में हमारे से जो मतदाता को जो जागरूक करने का काम आप कर रहे हैं, अगर आपके माध्यम से चंद लोग को ही अगर जानकारी हो तो वो धीरे धीरे कारवां के रूप ले लेता है। अगर आज यहाँ 50 लोग जान रहे हैं तो ये 50 के साथ हो सके 10,000 लोगों के पास मैसेज चला जाए। तो मैं यही आप लोगों से आग्रह और निवेदन करूँगा सभी मतदातागणों से कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप मतदान जरूर करें, और अगर सरकारी कर्मी है तो उस दिन भी छुट्टी घोषित ऑलरेडी हो चुकी है कि छुट्टी रहेगा तो कहीं कोई लेकिन परंतु बीच में नहीं आ रहा है। आप पहले मतदान और फिर जलपान करें, क्योंकि आपका एक मत से देश की दशा और दिशा निर्धारित होगी। तो एक ऐसे उम्मीदवार को चुने जो हमारे कसौटी पर कैसे खड़ा होते हैं, ये केवल एक वोट का महत्व नहीं है, ये सोचकर नहीं वोटिंग करना है कि हम एक वोट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, आपका एक वोट अति महत्वपूर्ण वोट है। वो एक ऐसे व्यक्ति को आप चुन करके पार्लियामेंट में भेजेंगे जो आपकी आवाज़ बने। तो इसके लिए जो है कि हम लोग किसी भी स्थिति में वोट देने से वंचित ना हो, जितने भी नाम जिनका जुड़ा हुआ। और एक बात और,
सरकार का एक विशेष अभियान भी चल रहा है कि अगर जिनकी उम्र 18 बरस पूरा गया है अभी और 18 से 24-25 साल है, उनके लिए एक विशेष शिविर का भी आयोजन अपने प्रखंड में है कि आप वहां पर आधार कार्ड या एज प्रूफ लेकर के जाएं, फोटो लेकर के जाएं, तो वैसे लोगों को जो अभी 18 वर्ष के हुए उनको तत्काल मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा। उसका मूल उद्देश्य है कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना। तो जितने ज़्यादा लोग, सरकार का ये स्कीम है कि जितने ज़्यादा लोग उसमें जुड़े, अभी देख रहे होंगे कि हमारा बिहार का जो वोटिंग परसेंटेज है और अलग स्टेट से कुछ कम है। वहीं साहित्यकार प्रसिद्ध यादव ने वोट की महत्व को समझाते हुए कहा कि एक वोट से सरकार बनती भी है और गिरती भी है। मौके पर अशोक कुणाल ने पहले मतदान फिर जलपान की बात कही। समाज सेवी चंदू कृष्ण ने लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील की। नुक्कड़ नाटक के आरंभ में चर्चित लोक गायक गुलशन पांडे ने हारमोनियम की धुन पर चल चल वोट दे बे गीत गाकर लोगों को मन मोह लिया। नाटक में बिना लोभ लालच के, जाति धर्म के भेदभाव के बिना सही उम्मीदवार को वोट देने की अपील की गई। वोट से सरकार बनती है या सरकार गिरती भी है। पहले लोग कहते थे हो ही कि नीम को हमें कहानी, रंग तो चेरी हो ही हम हो ही रानी। ये सब जब था राजतंत्र था तब था, आज लोकतंत्र है। चाहे रिक्शा चलाने वाला भाई हो, ठेला चलाने वाला भाई हो, या दिहाड़ी पर काम करने वाला भाई हो, या कोई महल में रहने वाला आदमी हो, सबका वोट एक बराबर है। सबका वोट का वैल्यू एक बराबर है। जो आप वोट देंगे, या कोई महल में रहने वाला वोट है वो भी संसद में जा सकता है, वो भी विधान परिषद में जा सकता है, या कोई जूता सीने वाला व्यक्ति है वो भी सांसद में जा सकता है, वो भी विधानसभा में जा सकता है और गया है। इस देश की खूबसूरती है कि जिनके पैर में चप्पल जूता नहीं थे, मजदूरी करने वाले बिहार के, वैसे लोग पार्लियामेंट में गए हैं। तो ये कैसे पहुंचे? आपके वोट की ताकत से, आपके वोट के ताकत से पहुंचे।